फोटो खींचा, फोटो फोटो खींचवा लो, देख रहे हो बड़ी नाटक बाज है। नमस्कार दोस्तों, ज्योति न्यू ड्रीम चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छा रेसिपी बना के दिखाने वाली हूँ। तो मेरे चैनल पे जो नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो दोस्तों आप लोग इधर देख सकते हैं, ये जो है हल्दी का पेड़ है, तो इसके पीछे शिमला मिर्च का पेड़ है। तो मैं चल रही हूँ वहाँ से शिमला मिर्च लूँगी और आप लोगों को बहुत ही अच्छा बहुत ही टेस्टी सब्जी बना के आप लोगों के बीच शेयर करूँगी। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को शिमला मिर्च के खेत दिखा देती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये शिमला मिर्च का खेत है। बहुत ही अच्छा लगा हमें देख के शिमला मिर्च का खेत। आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इधर देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा शिमला मिर्च हर पेड़ में लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा है दोस्तों जैसे कि शिमला मिर्च नहीं है, लेकिन आप देखेंगे नीचे बहुत सारा शिमला मिर्च इसमें लगा हुआ है। तो हमें शिमला मिर्च का खेती देख के बहुत ही अच्छा लगा और मैंने पहली बार ऐसा खेती देखा, मैंने कभी देखा नहीं था। और देखा तो दोस्तों ऐसे ही गांव में एक दो लगा देते हैं। तो मैं यहाँ पे आई हूँ, यहाँ पे ढेर सारी सब्जियाँ उगाई जाती हैं। उधर साइड आई हूँ, अपने घर से 50 किलोमीटर दूर आई हूँ वीडियो बनाने। तो आप लोगों को कैसा लगा शिमला मिर्च की खेती हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत दूर दूर तक शिमला मिर्च लगाया हुआ है और मैं यहाँ से शिमला मिर्च लूँगी और आप लोगों को बहुत ही टेस्टी बहुत ही लाजवाब सब्जी बना के दिखाऊँगी। तो आप लोग मेरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अब मैं यहाँ से शिमला मिर्च ले लेती हूँ। तो हमने शिमला मिर्च इसी तरीके से आवश्यकता अनुसार तोड़ लेंगे। तो दोस्तों शिमला मिर्च बहुत ही बचा के तोड़ना है क्योंकि शिमला मिर्च का जो पौधा होता है बहुत ही नरम होता है। तो हम शिमला मिर्च आवश्यकता अनुसार यहाँ से तोड़ लेंगे और ले चलेंगे घर पे। तो इधर भी खूब ढेर सारे लगे हुए हैं और ये छोटे छोटे हैं तो मुझे छोटा छोटा नहीं लेना है। तो जो तैयार हो गया है शिमला मिर्च मैं वही ले लूँगी। तो मेरे साथ दादाजी आए हुए हैं, वो भी मेरा हेल्प कर दे रहे हैं तोड़ने में। ये दादाजी का ही खेत है। तो दादाजी के खेत में से मैं दोस्तों तोड़ ली हूँ शिमला मिर्च। यही दादाजी का खेत है। तो दादाजी आप खेती बहुत ही अच्छा किए, तो आप जो खेती करते हैं आपको कितने साल हो गया खेती करते? खेती तो हम लोगों की पुश्तैनी है। अच्छा, सब्जी की खेती तो बहुत दिन से चला आ रहा है। तो आपको फायदा होता है? बहुत बेनिफिट होता है। चलिए अच्छी बात है। हाँ। तो दोस्तों दादाजी कह रहे हैं बहुत ही हमें फायदा होता है खेती पर निर्भर है। खेती पर शिक्षा, बच्चों का शिक्षा दीक्षा, घर शादी विवाह सब खेती पर। सिर्फ खेती मतलब आप खेती करके मतलब अपने बच्चों का पढ़ा लिखा लेते हैं, शादी भी, शादी ब्याह सब? चलिए ठीक है। तो दोस्तों चाचा जी कह रहे हैं कि हम यही अरे खेती करके हमारे बच्चे पीसीएस हैं। चलिए अच्छी बात है। हाँ। तो इंक्वायरी अफसर है मेडिकल विभाग के, खेती से। बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों तो हाँ। चाचा जी जो शिमला मिर्च की खेती आप कितने दिन में तैयार कर लेते हैं? शिमला मिर्च तैयार कर 45-50 दिन में तैयार हो जाता है। इतना जल्दी तैयार कर लेते हैं? हाँ हाँ, 45-50 दिन में रोपाई से नर्सरी से उखाड़ने के बाद 45 दिन में फली आ जाती है। चलिए बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। चाचा जी कह रहे हैं 45 दिन में और यही 25-30 रुपए किलो बिक जाता है। कभी 25 कभी 20, इस समय 30 रुपए 35 रुपए किलो बिक रहा है। अच्छा, तो थोक में मंडी भेज देते हैं। हाँ, बेचने के लिए? हाँ, चलिए अच्छी बात है। तो चाचा जी कितने एकड़ में शिमला मिर्च की खेती की है? हमारा तो 1 एकड़ में है। और शिमला मिर्च के सिवा और भी खेती करते हैं? हाँ, गोभी की खेती करते हैं। अच्छा, और सब्जी में गोभी, शिमला, टमाटर। चलिए अच्छी बात है। हाँ। तो मैं एक दिन और आऊंगी जैसे गोभी और टमाटर का भी वीडियो बनाने। हाँ। तो ठीक है, अभी तो टमाटर निकलेगा अप्रैल से। अप्रैल से? हाँ। चलिए ठीक है, अभी तो नर्सरी पड़ रही है। ठीक लीजिए। हाँ। दादा आपने नहीं पैसा? हम पैसा नहीं लेंगे, आप लोग आगंतुक हैं और अतिथि के रूप में हम पैसा नहीं लेंगे। आप हमारे तरफ से सब्जी बनाकर खा लीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दादा, आपने शिमला मिर्च मुझे तोड़ने दिया। तो दोस्तों अच्छा दादाजी, यहाँ से मतलब पानी कहाँ से आता है? पानी अपना निजी नलकूप है। अच्छा, तो कितनी बारिश की सिंचाई होती 10 है? 10-12 पूरा टोटल सिंचाई लग जाती है। 10-12 तो बहुत मेहनत से भी उगता है। हाँ, बहुत
हम लोग किसान हैं तो हमें लोग हम लोगों को कोई परिश्रम की वो नहीं करते हैं, बहुत परिश्रम हुआ। चलिए ठीक है दोस्तों, हमें चाचा जी से मिलकर बहुत ही खुशी हुई। आप लोगों को कैसा लगा चाचा जी से मिलके तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब मैं चली हूँ घर पे, और आप लोगों को बहुत ही अच्छा टेस्टी रेसिपी बना के दिखाऊंगी, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। चली हूँ मैं घर पे। तो दोस्तों अगर आप लोग अगर शिमला मिर्च का खेती करना चाहते हैं तो घर पर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा बहुत ही फ़ायदा भी है सब्जी का खेती करना। दोस्तों जैसे कहावत नहीं है नौकरी करो सरकारी तो नहीं तो बेचो तरकारी, तो ये सही बात है दोस्तों। मुझे चाचा जी से मिलके ये पता चला, तो मैं चल रही हूँ घर पे और आप लोगों को बहुत ही टेस्टी सब्जी बना के दिखाऊंगी, तो आप लोग वीडियो पे इसी तरह से बने रहिए। दोस्तों शिमला मिर्च लेके मैं घर पे आ चुकी हूँ, तो आज मैं आप लोगों को शिमला मिर्च और हरा मटर और आलू की बहुत ही टेस्टी सब्जी बना के दिखाऊंगी, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं इधर आप देख सकते हैं आलू ले ली हूँ और हरा मटर, तो यही की सब्जी बनाऊंगी। तो मैं आलू का छिलका उतार लेती हूँ। तो आलू का हमने छिलका उतार लिया है, अब मटर का भी छिलका उतार लूंगे। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को वीडियो में आलू को भी दिखाने वाली हूँ, तो आप लोग मेरे वीडियो पे इसी तरह से बने रहिए। तो अब मटर का भी छिलका उतार ली हूँ, अब सारी सब्जियों को मैं अच्छी तरीके से धुल के साफ कर लूंगी। शिमला मिर्च में जो बीज है मैं उसे निकाल दूंगी। और दोस्तों जो मेरे चैनल पर नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो इसी तरीके से मैं सारी सब्जियों को काट के तैयार कर लूंगी। तो सब्जी को हमने काट लिया है, तो यहाँ पे दो चूल्हा है, एक पे हम बनाएंगे चावल और एक पे बनाएंगे सब्जी। तो दोनों चूल्हे पे हम आग को जला लेते हैं। आग को हमने जला लिया है, अब बेचकू को रख देते हैं चूल्हे पे। अब इसमें हम पानी डाल देते हैं चावल पकाने के लिए। तो अब हम इसे ढक देंगे, जब इसमें उबाल आएगा तब चावल को डालेंगे। तो दूसरे चूल्हे पे हम रख देते हैं कढ़ाई, कढ़ाई में अब हम डाल देते हैं राई का तेल। मेरा गरम हो गया, अब मैं इसमें डाल देती हूँ जीरा। तो जीरा मेरा चटकने लगा है, मैं इसमें डाल देती हूँ हरा मिर्च। बारीक कटा हुआ प्याज, प्याज और मिर्चा को हम ब्राउन होने तक पकाएंगे। प्याज और मिर्चा मेरा पक गया, मैं इसमें डाल लेती हूँ हरा मटर। तो मटर को हमने पका लिया है, अब मैं इसमें आलू और मिर्चा जो कट किया है शिमला मिर्च कट किया गया है वो डाल लेती हूँ। अब अच्छी तरीके से इसे चला देती हूँ। तो दोस्तों शिमला मिर्च और मटर और आलू की सब्जी काफ़ी टेस्टी होता है। तो अच्छी तरीके से हमने चला के भून लिया है, अब इसे ढक देते हैं। तो चावल को हम अच्छी तरीके से भून लिए हैं, अब इसमें डाल देते हैं पकने के लिए।
चावल को हम चला के आप ढक देंगे पकने के लिए। सब्जी को हम एक बार चेक कर लेते हैं। सब्जी में डाल देते हैं गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच। अब इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर। अब कश्मीरी मिर्च पाउडर। तो अब अच्छी तरीके से चला कर मिक्स कर देंगे। अब मैं इसमें डाल देती हूँ स्वाद अनुसार नमक। तो अब अच्छी तरीके से हम चला के मिक्स कर देते हैं नमक को। तो नमक को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर दिए हैं। आप इसे ढक देते हैं पकने के लिए। तो इधर मैं आटे को गूंथ के तैयार कर लेती हूँ रोटी बनाने के लिए। सब्जी को मैं एक बार फिर से चेक कर लेती हूँ। तो सब्जी में से मेरे काफी अच्छा खुशबू आ रहा है। अब मैं इसमें डाल लेती हूँ टमाटर। टमाटर डालने के बाद चला दूंगी अच्छी तरीके से। अब इसे फिर से ढक देती हूँ पकने के लिए। इधर मैं चावल को चेक कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं चावल मेरा पक चुका है। तो चावल मेरा पक चुका है। तो सब्जी को मैं चेक कर लेती हूँ। दोस्तों सब्जी मेरी बन के तैयार हो चुकी है। तो अब मैं सब्जी को नीचे उतार दूंगी। सब्जी को हमने नीचे उतार दिया है, तवे के रख देंगे चूल्हे पे। इधर हम लोई बना लेते हैं रोटी बनाने के लिए। गरम हो गया, रोटी को डाल लेते हैं तवे पे। इधर मैं दूसरी रोटी इसे मैं दूसरी तरफ पलट देती हूँ। अब मैं रोटी को देख सकते हैं दूसरी तरफ चीटी पड़ गई है। अब मैं इसे सेक लूंगी। तो रोटी मेरी काफी अच्छे से फूल गई है। तो अब मैं इसे रख देती हूँ थाली में और दूसरी रोटी तवे पे डाल देती हूँ। इसी तरीके से मैं सारे रोटी को बना के तैयार कर लूंगी। दोस्तों सारी रोटी को हमने बना के तैयार कर लिया है। दोस्तों अब हम खाने को सर्व कर लेते हैं। तो एक कटोरी में हम सब्जी निकाल लेंगे। अब एक साइड चावल निकालेंगे। तो चावल और सब्जी को हम निकाल लिए हैं। अब एक साइड रोटी को भी निकाल लेते हैं। दोस्तों खाना मेरा सर्व हो चुका है। दोस्तों मेरा शिमला मिर्च और मटर और आलू की सब्जी बनके तैयार हो चुकी है और साथ में चावल और रोटी। आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट। चलिए दोस्तों अब मैं चल रही हूँ, आप लोगों को आनवी से मिलवा देती हूँ। तो दोस्तों आप लोग आनवी से मिल सकते हैं। आप लोग बहुत कमेंट करते हैं कि आनवी से मिलवाइए। तो ये रही आनवी। आनवी आप लोगों से हाय कहती है और आनवी ये भी कह रही है कि आनवी के मम्मी के चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें जो नए हो।
और वीडियो जरूर आप लोग देखें लास्ट तक, और लाइक भी करें और प्यारा प्यारा कमेंट करें। दोस्तों आनवी आप लोग देख सकते हैं कितनी बड़ी भी हो चुकी है और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। दोस्तों अब आनवी मेरी थोड़ा सा गूगा करने लगी है तो बहुत अच्छा लगता है, और मैं सोचती हूँ मेरी आनवी कब जल्दी से बड़ी हो जाए और मेरी उंगली पकड़ के चलने लगे। आनवी हाय बोलो सबको, हाय। तो दोस्तों आनवी आप लोग से हाय बोलती है। आनवी तो दोस्तों जब मैं आप लोगों कमेंट का जवाब देने लगती हूँ तो आनवी बगल में मेरे रहती है तो मोबाइल बहुत ही देखती है। ये मोबाइल तो दोस्तों इसे जैसे कि बहुत ही पसंद है, जब मैं कुछ देखने लगूंगी तो सीधा मोबाइल में बहुत देखती है, और जब मैं मोबाइल बंद कर दूंगी तो ये रोने भी लगती है। तो दोस्तों देख सकते हैं आनवी कितने अच्छे से खेल रही है। हाय बोलो सबको आनवी। आनवी बाबू। तो दोस्तों आप लोग आनवी के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है आप लोग आनवी के लिए कमेंट करते हैं। तो मैं ऐसे छोटे छोटे वीडियो आप लोगों को आनवी का दिखाती रहूंगी। क्या हुआ आनवी, सबसे हाय बोलोगी ना? हाय बोलो। तो दोस्तों आज का वीडियो आनवी से ही समाप्त होता है, अब मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार बाय बाय। आनवी भी आप लोगों से बाय बोलती है, बाय करो आनवी या।